हमारी फीमेल्स गई तो गई कहाँ? Why and where they have vanished in the thin air? कश्मीर की बात करें, 2019 से 2021 तक 10,000 के करीब मिसिंग रिपोर्ट्स दर्ज की गई है। पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा गया है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है कि 13 लाख से ज्यादा फीमेल्स पूरे इंडिया में, जिसमें से अगर हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करें तो 2019 से 2021 तक खाली मुझे लगता है कि 10,000 के करीब मिसिंग रिपोर्ट्स दर्ज की गई है, जिसमें से 18 साल तक भी और 18 साल से ज्यादा भी फीमेल्स को मिसिंग रिपोर्ट्स में ऐड किया गया है। ये अगर हम उससे पहले 5 सालों का डेटा देखें तो पूरे जम्मू कश्मीर में 3,000 से ज्यादा फीमेल्स को मिसिंग रिपोर्ट में नहीं दर्ज किया गया था। व्हाट आर द रीजंस? जो इस वक्त हेल्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे जो बंदे बैठे हैं तो दे हैव टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस, इंक्लूडिंग द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, और उन लड़कियों का पता लगाना चाहिए। एंड वी शैल हैव अ डेटाबेस जो कि एक पब्लिक नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे अवेलेबल हो, और अगर उनको ट्रांसपोर्ट किया गया है किसी और देश में या किसी और स्टेट में, पुलिस हैज टू लुक इनटू द मैटर। एंड मैटर ऑफ फैक्ट, अगर इफ द पुलिस इज नॉट एबल टू जस्ट ट्रेस देम, तो फिर ये नाअहली है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की कि जनाब व्हाट वी आर डूइंग। इतना डेटा 3 साल में कैसे बढ़ सकता है? हमारी फीमेल्स गई तो गई कहां? Why and where they have vanished in the thin air? The administration has to be answerable, and it's a very grave concern. Or as a media head of Jammu Kashmir or Alliance Democratic Party, I will fight tooth and nail in the judiciary, because we believe the judiciary can do the miracles for J&K state as well.